Hello everyone, so today we are going to study about the microscopic evaluation of crude drugs by camera lucida method. तो इस method के through जो है हम microscopic characters जो है किसी भी crude drug के study करते हैं, तो इसमें जो है हम specifically हम microscopes ही use करते हैं, पर वो एक specific kind के microscopes है जिसके through जो है हम image जो है captures करते हैं. So let's start the video. अब जो माइक्रो लुसिडा मेथड है ये काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक है माइक्रोस्कोपिस के लिए. तो इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, वह दैट इज़ फोटो माइक्रोग्राफ्स. इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक माइक्रोन कैरेक्टर्स, मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर्स होते हैं, स्मॉलर साइज़ के, उनको जो है माइक्रोस्कोप्स के थ्रू जो है हम स्टेन्स डाल के कलर फोटोग्राफी के थ्रू चेक कर सकते हैं, जिसको आप लेटर ऑन बुक्स में और किसी रिव्यू आर्टिकल्स में पब्लिश करने के लिए जो है हम उनको यूज़ करते हैं. तो मेनली जो है क्रूड ड्रग्स के केस में हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक रो फॉर्म में कुछ डिफरेंट होते हैं, एक वेट फॉर्म में एक अलग होते हैं. हर प्लांट के एक डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके शेप्स अलग होते हैं, उनके साइजेस अलग होते हैं. तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम फोटो माइक्रोग्राफ्स का यूज़ करते हैं. अब इनमें जो है स्पेशल तरीके के कैरेक्टर्स जो हम स्टडी करते हैं, डेट इज़ ट्राइकोम्स, जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, कोलन काइमा, वस्कुलर बॉडी, पैरेन्काइमेटिक सेल्स, पैलिसेड सेल्स. तो इन सारी सेल्स की एक पूरी जो है इनका कैरेक्टर स्टडी करने के लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत काम आती है, क्योंकि इनको हम स्टेन्स डाल के कलर्ड फॉर्म में बेटर स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आप इनमें और भी बहुत तरह के कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं, लाइक फ्लोएम फाइबर, मेडुलरी लेयर्स, लॉन्ग, इसको जो है हम ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने के बाद ही स्टडी कर सकते हैं. मतलब कि हमें जो है जिस प्लांट को हम स्टडी करना चाहते हैं हमें जो है उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन लेना चाहिए, हमें सेक्शन लेना पड़ता है. लाइक आप उनको ट्रांसवर्स यानी बीच में से काट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे तक एक थिन सेक्शन के थ्रू जो है हम उसको माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो है स्टडी कर सकते हैं. तो अब माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन है वो कितनी टाइप की होती है, तो ये तीन टाइप की होती है, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी, लीफ माइक्रोस्कोपी, रूट एंड बार्क माइक्रोस्कोपी. तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव का मतलब है किसी चीज़ की जो है क्वालिटी को स्टडी करना. तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी रूट या फिर रूट बाग का, लीफ का, हम एक ट्रांसवर्शन या फिर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है हम लेते हैं और उसको फोटो माइक्रोग्राफ्स के थ्रू जो है स्टडी करते हैं. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली एक स्पेशल पार्ट का आप एक थिन सेक्शन ब्लेड्स के थ्रू या फिर कटर्स के थ्रू हम एक थिन सेक्शन लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसमें एक स्टेनिंग रिएजेंट जो है ऐड करते हैं, दैट इज़ एच सी एल एंड मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें हम एक स्टेनिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसके एरिया में कलर शो होने लग पड़ता है. और उसको जो है हम उसके बाद माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद, स्लाइड में लगाने के बाद, कवर स्लिप लगाने के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद है लीफ माइक्रोस्कोपी. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लीफ को जो है हम क्लोरोहाइड्रेट सॉल्यूशन में जो है कुछ घंटों के लिए जो है डिप कर देते हैं, जिसके कारण जो है जो लीफ का जो नेचुरल ग्रीन कलर होता है वो चला जाता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको हम एक फाइन सेक्शन, मतलब कि लीफ का जो है हम एक छोटा सा पतला सा एक फाइन सेक्शन लेते हैं, जिसमें जो है हम मिथाइल ऑरेंज और फ्लोरोग्लुसिनॉल जो है ऐड करते हैं. उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि उसके हम बहुत सारे जो है वेरियस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, लाइक ट्राइकोम्स, उसकी सेल कॉम्पोजिशन को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं फोटो माइक्रोग्राफी के थ्रू. उसके बाद है एक रूट बार्क माइक्रोस्कोपी. इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिकली रूट बार्क को जो है हम स्पेशली वाटर में जो है डिप करके रखते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए हम बॉईल करते हैं.
जब वो रूट जो है कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाती है उसके बाद उसका हम ट्रांसवर्सली या फिर एक लॉन्गिट्यूडनल स्लाइस में छोटा सा सेक्शन जो है लेते हैं। उसके बाद उसमें जो उस फाइन सेक्शन में जो है हम स्टेनिंग रिएजेंट जो है ऐड करते हैं, दैट इज़ 0.1% वेट बाय वॉल्यूम फ्लोरोग्लुसिनॉल ऐड करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसके बाद उसमें हम उसके हम वेरियस कैरेक्टर्स जो हैं स्टडी कर सकते हैं, लाइक ट्राइकोम्स एंड सेल कॉम्पोजिशंस। उसको डायरेक्टली हम स्लाइड्स में लगा के स्टेन डालने के बाद कवर स्लिप लगाने के बाद जो है माइक्रोस्कोप्स के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, फोटो माइक्रोग्राफी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आपको ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें जो है आप स्टेन पिक्चर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है आपको ऑयल ग्लैंड्स हैं इजीली दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है आप इसमें ट्राइकोम्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फोटो माइक्रोग्राफी है इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आई मीन इसके थ्रू जो है आप कलर्ड पिक्चर्स और ज़्यादा वाइब्रेंट पिक्चर्स देख सकते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी में भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद है ये पैलिसेड टिश्यूज़ हैं जो कि एक लीफ का दिखाया हुआ है। उसके बाद आप फ्लोएम सेल्स देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देख ट्यूबर सेल्स देख सकते हैं, एक लीफ के दिखाए हुए हैं इसमें। उसके बाद ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप चाहिए तो इन रेफरेंसेस से भी स्टडी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।